हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और किचन का सफाई मैंने पहले ही कर दिया है। हालांकि सब काम हो गया मेरा किचन का, साफ सफाई का। चूल्हा मैंने बाहर निकाल के धो दिया था। अभी इसका पानी सूख गया है तो लगा लिया मैंने, क्या क्या अभी काम करूँगी किचन में। सुबह सुबह 7 बजे से लगूँगी, तब 10 बजते बजते सब काम कंप्लीट होगा। मैंने नया सूट भी पहन लिया है क्योंकि आज मेरा मैरिज डे भी है। उससे पहले मेरे यहाँ पापा जी मतलब मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो उसके लिए मैं खाना बनाऊंगी। सुबह सुबह 7 बजे लगूंगी तो 10 बजते बजते हो भी जाएगा। हालांकि पीयूष लकी भी मेरा पूरा हेल्प करवा रहे हैं, वो दोनों अपना बाहर में काम कर रहे हैं। जैसे पीयूष सब्जी लाने के लिए गया, अभी सब्जी आया नहीं है, और लकी है जो अपना सब्जी धो के रखना, यही सब काम में मेरा पूरा हेल्प करवा रहा है। दूध मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के रख दिया था, क्योंकि दूध मैं सुबह नहीं मंगवाती हूँ, रात में मंगवा के रख लेती हूँ। सुबह का कोई भरोसा नहीं रहता इतना दूध मिल पाए या नहीं मिल पाए, इसलिए मैंने रात में दूध मंगवा के रख लिया था। सब्जी है जो अभी मंगवाने के लिए मैंने पीयूष को भेज दिया, अभी ले आएगा, क्योंकि अभी ताज़ा सब्जी मिल जाएगा। हालांकि बारिश के मौसम में सब्जी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब पहले जितना सस्ता था या अब ज़्यादा आता था उससे अभी बहुत कम हो गया। सब्जी कम भी आता है और उसके बाद महंगा भी पूरा हो गया है। देखती हूँ जो मुझे सब्जी चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो सब्ज़ी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी सब्ज़ी बनाओ पर तोरई का सब्ज़ी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के लिए मैंने पीयूष को भेज दिया है। हालांकि मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने वाली थी तो मिक्स सब्ज़ी में तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ मिला नहीं, तो तोरई का बना लूँगी। छोला भी मैंने भिगो दिया है, तो अभी धो के पहले दूध गर्म चढ़ा दूँगी। उधर मैंने रात का दूध जो रहता है घर वाला वो पूरा गाढ़ा किया हुआ था, पूरा रात में गाढ़ा हो गया था, मतलब चढ़ा के भूल गई थी, तो अभी उसको पहले चढ़ा दिया। गर्म करने के बाद ही इसमें मिक्स कर दूँगी। इधर है तो पन्नी वाला है, वो दूध चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो इसी का खीर बनाती हूँ। जैसे घर का दूध बच जाता है वो डाल देती हूँ, पर ज़्यादा इसी दूध का खीर में यूज करती हूँ, क्योंकि खीर बहुत अच्छा बनता है इस दूध का, तो इसी का ज़्यादा यूज करती हूँ। जैसे आने को तो मिलता है गाय का दूध, भैंस का दूध भी मिलता है, पर उससे ज़्यादा ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय के लिए हुआ वो अच्छा नहीं लगता, चाय में गाय का दूध ही अच्छा लगता है, तो चाय मैं गाय के दूध की बनाती हूँ। कभी कभार जैसे इसका बनाना भी पड़ जाए तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि ये दूध गाढ़ा ज़्यादा आता है, पानी बहुत सारा डाल देते फिर भी दूध का अजीब सा इसमें रहता है, इसलिए चाय मुझे अच्छा नहीं लगता, पर खीर बहुत अच्छा बन जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही खीर बनाती हूँ, पहले दूध को गर्म कर लूँगी, एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद इसमें चावल धो के डाल दूँगी। कम से कम खीर बनने में टाइम लगता है, वैसे तो सबको पता है, पर खीर बनाने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत है जो चावल को पीस के भी बनाते हैं, बहुत अपना अपना तरीका से बनाते हैं, पर मैं पीस के कभी नहीं बनाती हूँ। बोलते हैं पीस के बनाने से भी गाढ़ा खीर अच्छा बन जाता है, जल्दी बनता है, पर मुझे जल्दी का ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसे ही बनाना, ऐसे में भी बहुत अच्छा खीर बन जाता है। उसके बाद छोला मैंने रात में जब भिगोया था तब भी अच्छे से धो दिया था, अब दोबारा से 2-3 बार पानी निकाल के धो दूँगी, उसके बाद चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। छोला चढ़ाते समय इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, मैं केवल नमक डालती हूँ और बहुत अच्छा चाय पत्ती डालते हैं, उससे कलर अच्छा आता है, पर मुझे नहीं पसंद है, मैंने आज तक नहीं डाला है। मैं ऐसे केवल हल्दी नमक डाल के चढ़ाती हूँ, तो आज तो मैंने हल्दी भी नहीं डाला है, केवल नमक डाल दिया है। हल्दी जैसे छोंकूंगी उस समय डाल दूँगी, क्योंकि आज मुझे लहसुन प्याज कुछ नहीं डालना, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है। वैसे तो केवल आलू का ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, आज फर्स्ट बार है जो श्राद्ध में मैं छोला बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो मम्मी करती थी वैसा मैं करती हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करती हूँ। आज तो फरमाइश था सबका कि पीयूष लकी बोल रहे थे मम्मी छोला की सब्ज़ी बना दो, उसके पापा भी बोल रहे थे छोला बना लो, इसलिए मैं छोला बना रही हूँ। हालांकि काला वाला चना है उसको नहीं बनाती हूँ, वो नहीं बनाना चाहिए, या फिर चना दाल नहीं बनाना चाहिए, तो वो नहीं बनाती हूँ। छोला में भी एक दो आलू डाल लूँगी, उससे घुटा घुटा थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का बन जाएगा, नहीं तो मसाला ज़्यादा डालना नहीं है, जैसे पीस का मसाला डालते वो तो डाल नहीं सकते हैं, तो फिर पानी अलग रहेगा, छोला अलग रहेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए मैं ज़्यादा आलू तो नहीं, दो आलू डाल दूँगी। मैं आलू छील रही हूँ, मेरे नीचे में गुनू है जो कैमरा को पूरा हिला भी रही है, हालांकि मैं बोल भी रही हूँ उसको, उसका हमेशा से यही आदत है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो वो नीचे घूमते रहती है, इधर उधर करते रहती है, या फिर टेबल के नीचे जो जगह है वहाँ के बैठ जाती है, पूरा कैमरा हिल रहा है। अब मैं फिर उसको बोल भी रही हूँ उसको बाहर लेके चले जाओ, जब बाहर निकलता है तुरंत अंदर आके बैठ जाती है, तो मैं दिखा दूँगी आप सबको भी, क्योंकि वो नीचे ही है, ये देखिए इसका ऐसे ही मस्ती चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, जब तक मैं किचन में रहूँ तब तक यही रहेगी। हाँ, स्लिप के ऊपर नहीं आती है, अकेले भी जैसे किचन खुला रहेगा, अकेले घर में रहते तभी ये स्लिप के ऊपर नहीं आती है, हाँ नीचे नीचे घूमते रहती है, ज़्यादातर मैं किचन में रहती हूँ तभी घूमती है, ऐसे अकेले में तब भी नहीं आती है, अभी तो मैं हूँ तो इसीलिए ये घूम रही है। अब मैं बाहर में काम करूँगी तो ये बाहर जाके सो जाएगी, या फिर यहाँ काम करूँगी तो यहाँ भी सो जाती है, मस्ती करते करते सो जाती है, परेशान नहीं करती है। Thank you.
दूध में उबाल आ गया है, तो दूसरा वाला दूध भी मैंने रात वाला जो दूध गर्म करने के बाद इसमें डाल दिया है। तो अभी थोड़ी देर और गर्म होने दूंगी, दोबारा उबाल आएगा तब इसमें डाल दूंगी, जितना देर तक आगे का तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने काजू बादाम निकाल लिया है, तो मैं काट रही थी, काटने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद दिक्कत ये है कि मेरे यहाँ सब कोई खाते भी नहीं है, फिर उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि खीर में काजू बादाम जब डालती हूँ तो वो खीर ही नहीं खाएंगे। तो इससे अच्छा मैं मिक्सी में चला दूँगी, ज़्यादा महीन भी पाउडर नहीं करूँगी, गरगरा कर लूँगी तो पता भी नहीं चलेगा। छोला को भी उबलने में टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है, ज़्यादा ही लग जाता है आधा घंटा से। छोटा वाला चूल्हा है जो काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा का जो तैयारी करना है वही कर दूँगी। मसाला पीस के रखना, मसाला में जैसे लहसुन प्याज नहीं पीसूँगी, पर जैसे ये गाढ़ा करने के लिए टमाटर के साथ हरी मिर्ची ये सब मिक्स करके वो पीस के रख दूँगी, सूखा मसाला उसी में मिक्स करके छोड़ दूँगी। पीसने वाला काम हो जाएगा तो बाद में टेंशन नहीं होगा, क्योंकि लाइट का वही प्रॉब्लम होता है, लाइट चला जाएगा तो फिर इंतज़ार करते रहो, जब इंतज़ार करते हैं तो और लेट से आता है। तो यहाँ दूध में मैंने चावल डाल दिया है, अभी 2 मिनट तक इसको चलाऊँगी, 2-3 मिनट, उसके बाद मैं बाहर बैठ के सब्ज़ी काट लूँगी, क्योंकि पीस भी आ गया है, सब्ज़ी धो के रख दिया है, क्योंकि सब्ज़ी काटने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने से ज़्यादा काटने में टाइम लगता है, तो वही बाहर बैठ के काटूँगी। जितना देर में थोड़ी देर के लिए जी यहाँ खड़े खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, तो बाहर बैठ के सब्ज़ी काट लूँगी। आज बाहर में भी धूप तेज़ हो रहा है तो गर्मी अच्छा हो रहा है, गर्मी खूब ज़्यादा लग रहा है, फिर नया कपड़ा पहनो तो लगता भी ज़्यादा है, और किचन में गर्मी वैसे भी काम करो तो ज़्यादा लगता है। हल्दी का डिब्बी मैंने साफ़ करवा दिया, हालांकि रखा हुआ यही है पर वो थोड़ा सा गिल्ला है, तो इसलिए मैं पैकेट से यूज कर रही हूँ, बाद में डिब्बी सूख जाएगा तो फिर डाल दूँगी, क्योंकि हड़बड़ी में ऐसा ही होता है, तो डिब्बी में डाल के बाद में छोड़ दूँगी, अभी इसी से यूज कर लूँगी। यहाँ 2 टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया, सूखा मसाला डाल के पीस लिया है, हालांकि टमाटर 3 था तो एक ख़राब निकल गया है, दोबारा मंगवाया मैंने है नहीं, क्योंकि यहाँ इस समय अच्छा टमाटर नहीं आता है, बाज़ार जब जाएंगे वहीं से लेके आएंगे। हालांकि वो आ भी बहुत कम रहा है, सब्जी बहुत कम आ रहा है बाहर में, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पीसने वाला काम हो गया तब टेंशन फ्री हूँ, आराम से अपना होते रहेगा, लाइट चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो दिक्कत होगा क्योंकि इंडक्शन पर काम नहीं होगा तो फिर एक चूल्हा पे करना पड़ेगा, दूसरा वाला तो ख़राब है, जो क्या पता कब मुझे याद रहेगा कब ये सही होगा, कोई पता नहीं है। तो यहाँ खीर में उबाल आ गया है, चावल को डाले हुए हो गया 10-15 मिनट, अंदर का काम भी हो गया है, तब बाहर में बैठ के आराम से सब्जी काट लूँगी, 10 मिनट बाहर में बैठूँगी, थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, पंखा के नीचे बैठूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हूँ, जैसे सब्ज़ी काटने का आटा लगाने का काम यहीं बैठ के कर लेती हूँ, लगातार किचन में खड़े होकर काम नहीं करना पड़ता है, वैसे मैं लगातार कर भी नहीं पाती हूँ, जैसे मजबूरी हो जाता है तो करना पड़ता है, जैसे आज मैं कर भी रही हूँ क्योंकि 5 मिनट का भी आराम नहीं है, तो फिर मैं थक ज़्यादा जाती हूँ, जैसे आधा घंटा लगातार काम कर लेती हूँ तो जैसे 5 मिनट का भी मुझे आराम चाहिए, अगर आराम नहीं करूँगी तो फिर थक ज़्यादा जाऊँगी, चक्कर आना शुरू हो जाता है।
इसलिए यहाँ बैठ के मैं सब्जी काट लूँगी पंखा के नीचे बैठ के, और अंदर में अपना काम भी हो रहा है। बीच बीच में खीर को भी चलाना ज़रूरी है, तो यहाँ से मैं देख भी लेती हूँ। मेरा यहाँ किचन होने की वजह से यही सुख हो गया है कि आराम से अपना, नहीं तो मेरा नीचे किचन था तो ज़्यादातर बैठ के वहीं किचन में काम करना पड़ता था, क्योंकि ऊपर आना नीचे जाना थोड़ा सा और मुश्किल लगता था। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा दोनों हो गया है, छोला भी हो गया है और इसका भी तुरई का भी हो गया है, खीर भी लगभग बन गया। बहुत देर बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तब पहले गौग्रास निकालेंगे गाय के लिए, जो खाना निकलता है कौवा के लिए, उसके लिए पूरी बना रही हूँ अलग, क्या कि ये बिना नमक का बनता है। खाने का पूरी बाद में बताऊंगी, लगभग सब काम हो गया है, केवल पूरी बनाना बाकी है। तो वो तो जैसे खाते हैं उस समय मैं लगातार साथ में बनाते रहती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ, बनाते जाती हूँ खिलाते जाती हूँ। फिर पीयूष लड़की को स्कूल भी जाना है, पंडित जी को खिलाने से पहले नहीं तो मैं उनको टिफिन दे सकती, ना नाश्ता करवा सकती हूँ, पहले पंडित जी खाएंगे उसके बाद ही कोई काम होगा। तो इसलिए सब काम पहले जल्दी जल्दी कर दूँगी, क्योंकि थाली भी लगा के छोड़ दूँगी, खीर गर्म रहता है तो अभी ठंडा हो जाएगा, लगा के छोड़ दूँगी, ठंडा होने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर उसी में छोड़ दूँगी तो। हालाँकि खुला छोड़ा हुआ है पर उनके लिए मैं अलग कटोरी में निकाल के छोड़ दूँगी तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस बार है जो बहुत ज़्यादा लेट से है, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जहाँ तक मेरा तैयारी होता है वहाँ आ भी जाते हैं। अभी जो पूरी निकल रहा है पूरा वाइट वाइट निकल रहा है, क्योंकि तेल गर्म होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे ख्याल से हो भी गया, पूरा पूरी फूल भी रहा है पर पूरा वाइट वाइट निकल रहा है। हालांकि ज़्यादा लाल कलर तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लाल हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, पर जल्दी जल्दी मैं निकाल दूँगी। तो ये वाला निकाल के पहले गौग्रास निकालूंगी, फिर उस लगे बाहर खड़ा होकर इंतजार करेंगे, मम्मी जल्दी पूजा करो स्कूल का टाइम हो रहा है। और उधर तुरई का सब्जी चढ़ा हुआ है, लगभग बन ही चुका है, क्योंकि तुरई का सब्जी मैं इसमें निकालती नहीं हूँ, केवल खाने के लिए देती हूँ। इसमें कच्चा तुरई जो होता है वो निकलना जरूर रहता है, मेरे गांव में तो तुरई का जो पत्ता होता है उसमें निकलता है, पर यहाँ पत्ता तो मिलता नहीं, इसलिए मैं तुरई का सब्जी भी बना देती हूँ खिलाने के लिए। सब्जी ज़रूरी होता है और उसके बाद कच्चा तुरई है वही निकाल देती हूँ, खीर है उसके बाद दही निकलता है, खीर है तुरई है तुलसी पत्ता। अब सबसे पहले जब मैं ये खीर निकाल रही थी उसी समय लग की याद दिला रहा था मम्मी तुलसी पत्ता नहीं डाला है, तो पहले तुलसी पत्ता जो खाना बनता है उसमें डालते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं। जब भी ज़्यादा खाना जैसे त्यौहार बार में या पूजा पाठ में ज़्यादा खाना घर में बनता है तो उसमें तुलसी पत्ता डालना चाहिए, मैं हमेशा डालती हूँ। रोज़ खाना में तो नहीं डालती हूँ, जैसे अभी जो बना रही हूँ उसमें डालना जरूरी है। मेरे यहाँ बच्चों को भी याद रहता है, वही याद दिलाया था कि मम्मी आपने डाला नहीं, तो पहले मैंने उसमें डाला फिर इसमें डाला है। अब फिर उस लड़की ने बाहर का तैयारी पूरा कर दिया है, वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी कहाँ लगाना है इसका आसन जहाँ पूजा होगा। हमेशा मेरे यहाँ हम लोग पहले वहाँ किचन में करते थे, पर यहाँ किचन में तो जगह नहीं है तो बरामदा में ही कर लेते हैं। तो वही पीयूष आसन और पाटा लेके बरामदा में खड़ा हुआ, देखिए कि मम्मी कहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ जगह ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ एक साइड चौकी लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, तो दोनों साइड में बीच में थोड़ा सा जगह तो वहीं लगा लेंगे, क्योंकि यही पूजा होता है। अब मेरा ये आदत है जो जैसा होता है वैसा करो तो थोड़ा अच्छा लगता है, अपने तरफ से मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर उसके पापा हालांकि बोलते भी हैं कि तुम्हारा आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नियम कानून लगाती है तुम अपनी तरफ से। तो यहाँ पीयूष पहले पूजा करने के लिए बैठ गए हैं और उसके बाद इसके पापा करेंगे, सब कोई कर लेंगे। सबके यहाँ अलग अलग तरीका से किया जाता है, बहुतों के यहाँ केवल जेंट्स करते हैं, मेरे यहाँ सब कोई घर में होता है सब कोई करता है। बहुतों के हम देखती हूँ कि छत पर जा दिए के आते हैं वहीं करते हैं पूजा, पर मेरे यहाँ यहीं आंगन में करते हैं। हाँ ये भी है मेरे यहाँ ससुराल में अलग किया जाता है, मायके का तो सच बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है कैसे किया जाता, क्योंकि बचपन में खेलते कूदने में कहाँ पूजा होता तो पता ही नहीं चलता है, ध्यान ही इतना नहीं देते थे। जब से समझदार हुए हैं ये सब चीज़ का ध्यान हुआ तब से मायके जाना का मेरा कोई ये होता ही नहीं है कि मैं जाऊँ, कोई भी समय त्यौहार बार में नहीं जाती हूँ। जब जाती हूँ तो मैं हफ्ता भर के लिए जाती हूँ, ज़्यादा दिन जाना होता नहीं है, तो फिर मेरा एक जगह तो रहना ही नहीं होता कि एक दिन मतलब कि मायके में रहती हूँ, ससुराल में तो कभी बुआ के या नाने के या बस इतने में हो जाता है। हालांकि पूरा मैं घूम भी नहीं पाती हूँ, सब जगह जा भी नहीं पाती हूँ। और फिर त्यौहार बार रहे तो अपना घर का पूजा छोड़ नहीं सकते हैं, तो जब त्यौहार बार नहीं रहता तभी मैं जाती हूँ। इसमें से दो पूरी दो जगह का मैंने निकाल के गाय के लिए निकाल दिया है, दो जगह का मैं घर में रख लूँगी, तो पीयूष लड़की वहाँ से आने के बाद देंगे देंगे पीयूष लड़की, मैं नहीं दूँगी, पीयूष लड़की दे देते हैं, मैं केवल यहाँ रख दूँगी निकाल के। उसके बाद मैं खाने का तैयारी कर दिया है, मैंने यहाँ देखे पूरा खाना बना के रख दिया है। तभी थाली के लिए खीर ये दही तो निकाल के मैंने पहले ही रख दिया था, अभी प्लेट लगा दूँगी। खीर ठंडा भी हो गया अलग निकाल के रखा था, और जो ज़्यादा खीर है वो तो अभी गर्म ही है पूरा, और सब्ज़ी पूरा गर्म गर्म है, सब्ज़ी पूरी गर्म होना चाहिए, खीर ठंडा अच्छा लगता है। दही भी दिया जाता है तो दही मैंने दे दिया, रायता नहीं करते हैं मेरे यहाँ, दही देते हैं, तो इसलिए मैंने दही निकाल दिया है। उसके बाद पापड़ निकाल दूँगी, जब मतलब तेल चढ़ा हुआ है तो पापड़ निकाल दूँगी, क्या कि पापड़ अचार यही सब दिया जाता है। आम देते हैं तो आम मंगवाना भूल गए, मुझे याद ही नहीं आया, अभी याद आया कि आम मुझे मंगवाना चाहिए था, तभी मैं मंगवा, अच्छा भी नहीं लगता है सामने मंगवाओ तो। और हमेशा मेरे यहाँ रहता है, आज के दिन है भी नहीं, ख़त्म हो गया है, जैसे शाम के समय लाते हैं, तो कल बरसात हो रहा था तो कल आया भी नहीं, फिर मंदी भी लगा था तो इसलिए मंगवाना याद ही नहीं रहा।
यहाँ खाने का प्लेट लग चुका है, आप सब यही खाना खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।